मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी खास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं हमारी खास खबर। यहां पर आए हुए आप सभी लोग जो आज जिस तादाद में यहां पर जमा हुए हैं, जिस विश्वास के साथ, जिस शिद्दत के साथ आप आवार साहब के लिए आज यहाँ पर आए हो, ये देखकर ऐसे लगता है कि सारे कैमरा फोकस उधर करो और दिखा दो कि मुमरा का बस एक ही टाइगर है, द वन एंड ओनली डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब। सब आगे बढ़े, कोई इतनी भी कोशिश कर ले कि मैं मुमरा में आऊंगा, बस 15 दिन में लोगों को गुमराह करूंगा, लेकिन पिछले 15 सालों से जो मेहनत, जो खिदमत, जो सेवा उन्होंने मुमरा को दी है, ये आज उसका नजारा है कि सम्राट नगर ठाकुरपाड़ा की जनता आज पूरे ताकत के साथ आवार साहब के साथ खड़ी है। मैं हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान साहब का स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों से क्या चल रहा है, ये विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए हमें हमारे राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में बात करना जरूरी है। पिछले कई 3 सालों से कई आमदार मुमरा महाराष्ट्र के सिर्फ पार्टियां बदलने के लिए, अपना रेट डिसाइड करने के लिए पार्टियां तोड़ने का काम कर रही है। कुछ जो बड़ी पार्टी है बीजेपी जैसी, वो लोग ये सब काम महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उसमें कई सारे नेता, कई सारे आमदार मौजूद है, लेकिन हमें इस बात का फख्र होना चाहिए, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे मुमरा के आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब इन चीजों को ना देखते हुए वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जनता की सेवा, अपने मतदार संघ का डेवलपमेंट, कैसे मुमरा को बदला जाए, कैसे मुमरा को अच्छी सुविधा दी जाए, इसके लिए काम करते रहे। हम देख रहे हैं हमारा जो शहर है मुमरा, ये छोटा हिंदुस्तान है। जब से मुमरा बसा है, हमारी ये दूसरी पीढ़ी है, यहाँ पर सुधीर दादा है, शानू भाई है, आनंद मामा है, कई लोग है, बापू मकरे साहब है, इन्होंने पीढ़ी, इनकी पीढ़ियां भी यहाँ पर है, चूंकि हमारी दूसरी पीढ़ी यहाँ पर है, हम देख रहे हैं। कभी मैंने हिंदू मुसलमान, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ तो हिंदू है, ये बातें हमने कभी नहीं सुनी। पिछले कुछ सालों से ये बातें हमें सुनने को मिल रही है। एक तरफ हमारे यहाँ मुमरा देवी है, आई मुमरा देवी का आशीर्वाद है, वही दूसरी तरफ पहलवान शाह बाबा की दरगाह है। अगर आप स्टेशन पे जाओगे तो हमारा मारुति मंदिर है, उसी के बाजू में मस्जिद है। आगे शंकर मंदिर में जाओगे तो हमारे मुमरेश्वर महादेव बैठे, तो उसी के बाजू में फखरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह है। ये हमारे मुमरा की पहचान है, और आप यहाँ पे आकर हिंदू मुस्लिम की बातें करते हो। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि मुमरा को तोड़ने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है यहाँ की जनता पर, यहाँ के सभी लोगों पर, कि जो जितने पहले से जिस तरह से एक साथ यहाँ पर रहे हैं, जिस भाईचारे के साथ यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे, वो इस समय भी हमारे आमदार के चुनाव में लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आवार साहब को परेशान करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, मुमरा से दूर करने के लिए कई सारी कोशिशें की गई, उनकी राजनीति खत्म करने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब इस मतदार संघ पर जब जब मुश्किलें आई है, फिर वो कन्वर्सेशन का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, या जब कभी भी मुमरा में कोई भी आफत आई है, तो यहाँ के सारे लोगों के साथ आवार साहब कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे हैं, सबसे आगे खड़े, उनको बुलाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या मुझे आप जवाब दो, क्या आपको ऐसे आमदार चाहिए जो आपके लिए आधी रात को खड़े रहेंगे आवार साहब, वो आपको आमदार चाहिए, या आपको वो लोग चाहिए जो आपको मुझसे और मुझे आपसे अलग करने की कोशिश कर रहे? अपने ईमान को जगाए रखिए, वो आपके ईमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन 15 साल में आवार साहब ने जिस तरह से इस शहर के लिए योगदान दिया है, आधी रात को भी वो खड़े रहे, ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। जब कोविड आया था उस वक्त मुमरा में रोज 80,000 से भी ज्यादा घरों को आवार साहब की तरफ से खाना दिया जा रहा था, उनकी टीम दिन रात आप सबके लिए खड़ी हुई थी, दवाई हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, कई सारे पेशेंट्स थे उनके लिए, कई सारे एम्बुलेंस हो, जो भी सुविधा हो सके। और आज विरोधी ये सवाल कर रहे आवार साहब से कि आप जब गृह निर्माण मंत्री थे तो आपने मुमरा के लिए क्या किया,
चारू भाई मैं कहना चाहती हूँ, आवार साहब जब गृह निर्माण मंत्री थे तो 300 बेड का हॉस्पिटल मुमरा में आया था। मुमरा पर आफत थी कोविड की, और ना सिर्फ मुमरा से, पूरे महाराष्ट्र से जो पेशेंट थे, फिर वो मालेगांव हो, कोकण हो, कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, सांगली हो, कहीं से भी पेशेंट आते थे तो उनके लिए वो हॉस्पिटल एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर उन्होंने दी थी। और शायद मुमरा की भूमि की ये अच्छी बात है कि यहाँ पर दूसरे शहरों से, दूसरे जगहों से आए हुए पेशेंट्स के लिए हमने यहाँ पर उनको सेवा दी है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो 15 साल की सेवा और जो 15 साल का ईमान उन्होंने हमारे इस शहर के लिए दिया है, जो हमारे शहर के लिए उन्होंने ये ताकत दिखाई है, अपनी पूरी ताकत के साथ आवार के बस आपके साथ खड़े रहेंगे। और आने वाले 20 तारीख को ईवीएम मशीन पर पहला बटन तुतारी बजाने वाला आदमी, इस निशानी पर हम बटन दबाएंगे और आवार साहब को भारी से भारी वोटों से चुन के देंगे। धन्यवाद।